गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आयोग के द्वारा फाइनल आंसर की जारी किया गया है और उसमें जो 8 क्वेश्चन जो बदले गए हैं वो काफ़ी डिसाइडिंग रहा। इस 8 क्वेश्चन ने बहुत सारे स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट से बाहर किया और बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर बढ़ा है, इससे 1 या 2 नंबर बढ़ा है और वो इन हुए हैं। लेकिन मेरे सर्किल में लगभग जो स्टूडेंट हैं 4-5 लोग मैं जानता हूँ जिनका स्कोर 112 113 के अराउंड आ रहा था और वो अपने कैटेगरी से थे, वो OBC EBC इत्यादि कैटेगरी से थे, लेकिन वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। कारण यह है कि जो 8 क्वेश्चन बदला गया उससे उनका नेगेटिव चला गया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आयोग हर साल 3 से 4 क्वेश्चन में ऐसा करता है और इस बार तो 8 क्वेश्चन बदला हुआ है, जैसा कि पहले भी आपने लोगों ने सुना था रिजल्ट से पहले भी, और वो 8 क्वेश्चन मैं आपको सामने ला कर दिखाऊंगा कि कौन कौन से 8 क्वेश्चन बदला हुए। आप लोग भी अपना मिला सकते हैं क्योंकि 1 से 2 दिन में मार्कशीट जारी कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा, लेकिन आप लोग खुद से भी देख सकते हैं कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। और 64 में इससे पहले किया गया था 11 क्वेश्चन बदलाव किया गया था और ये 66 में दोबारा से किया गया 8 क्वेश्चन का बदलाव। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आयोग में एक बहुत बड़ी खामी है कि आयोग 150 क्वेश्चन भी अच्छे से सेट नहीं कर पा रहा और इसका खमियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है, स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका स्कोर बाउंड्री लाइन पर होता है। अब बाउंड्री लाइन क्या बोलेंगे, अब 113 जब कट ऑफ जा रहा है तो कोई भी जो स्कोर है वो सेफ नहीं है। अब जिसका 118 आ रहा है वो भी अपने आप को बाउंड्री लाइन में ही मान सकता है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं आयोग को सुधार करना होगा और जब तक ये चीज़ सुधार नहीं होगा तब तक माने चलिए कि रिजल्ट आने तक हर कोई एक डाउट के सिचुएशन में रहेगा। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि आयोग में क्या क्या ऐसा बदलाव करना चाहिए जिस कारण से कट ऑफ एक मेंटेन रहे, कट ऑफ इतना ज़्यादा ना जाए। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि ये जो 150 क्वेश्चन जो सेट करने का तरीका है इसको एक ऑथेंटिक सोर्स से सेट किया जाए ताकि बाद में बदलाव ना करना पड़े। 1 से 2 क्वेश्चन ह्यूमन एरर समझ में आता है, लेकिन 8 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हो जाता है और इसका खमियाजा अल्टीमेटली स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। आपके जाने पहचान में कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका स्कोर अच्छा रहा होगा, 112 113 115 तक आ रहा होगा और अल्टीमेटली वो इस बदलाव के कारण से ही वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आज इसी क्वेश्चन पर डिस्कस करूँगा, मैं बताऊँगा कि पहले क्या आंसर दिया गया था और बाद में क्या बदलाव किया गया और आप लोग अपना मिला सकते हैं कि आपका कितना बढ़ा है या कितना घटा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि लोहे के जंग लगे लोहे के वजन में न्यून में से कौन सा परिवर्तन होता है। इसमें आयोग के द्वारा पहले जो आंसर दिया गया था वो दिया गया था पहले या पहले बढ़ता है फिर घटता है, और अभी जो फाइनल आंसर जारी किया गया है उसमें दिया गया है या लंबे समय तक बढ़ता है, तो एक ये चेंज किया गया है। दूसरा 48 नंबर सीरीज भी है, 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे स्वर धातु भी कहते हैं। आयोग के द्वारा पहले प्लेटिनम आंसर दिया गया था और बाद में चेंज करके जो फाइनल आंसर जारी किया गया उसमें ई माना गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद ये G20 शिखर सम्मेलन, ये काफ़ी विवादास्पद क्वेश्चन था। इसमें जो आयोग के द्वारा पहले आंसर दिया गया था वो दिया गया था जम्मू कश्मीर और फिर बाद में चेंज करके इसको दिल्ली कर दिया गया। इसके बाद ये इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। आयोग के द्वारा पहले आंसर इसका दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी और अभी जो आंसर दिया गया उसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया। इसके बाद ये 93 नंबर क्वेश्चन, इसमें रोमन साम्राज्य का व्यापारी संबंध किसने स्थापित की। तो पहले इसका आंसर चेरा दिया गया था और अभी इसका आंसर कुषाण दिया गया। फिर ये 98 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाज सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए। तो पहले इसका आंसर दिया गया था 1-3-4 यानी सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रधान को हटाना, ठगों से संगठित गिरोह का दमन। लेकिन अब इसका जो आंसर दिया गया है वो 1-2-4 दिया गया यानी 3 को हटा दिया गया है, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रधान का हटाना, इसको हटाकर दास प्रथा का उन्मूलन को ऐड किया गया, मतलब सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोह का दमन, तो ये चेंज किया गया। इसके बाद 7 निश्चय, ये तो बदलना ही था, वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा नहीं है। तो अभी जो आंसर दिया गया इसमें ये सभी के लिए वायुमार्ग, ये किया गया पहले इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया था, ठीक है, और अभी इसका आंसर सभी के लिए वायुमार्ग दिया गया। इसके बाद ये NSSO वाला अभी बदला गया है, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहले इसका आंसर नहीं दिया गया था और अभी इसका आंसर दिया गया, भारत के 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन है जिसका आयोग के द्वारा बदलाव किया गया है, हालांकि सही चीज़ नहीं है, इतना आंसर को नहीं बदलना चाहिए। एक से दो क्वेश्चन में अगर गलती होती है तो ठीक है, बाकी 8 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हो रहा है। बाकी आप लोग बताइए आप लोग इसमें क्या रहा है और आप लोग सुझाव दे सकते हैं कि क्वेश्चन को सेट करने का तरीका क्या हो जिससे कितना ना बदलाव करना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली हमेशा स्टूडेंट को भी बदलना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए अच्छा रहा होगा, धन्यवाद।